हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा OMR सीट को जो है किस तरीके से फुलफिल किया जाता है, यानी आपका जो भी एग्जाम आने वाला है। RMS के लिए ये स्पेशल रहेगा, क्योंकि RMS के स्टूडेंटों को जो है मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है हम लोग OMR सीट को फुलफिल कर सकते हैं और OMR सीट को किस तरीके से फिल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, अपना नाम लिखना है। मान लीजिए मेरा नाम जो भी है, ए बी सी डी कुछ भी है, मान लो मेरा नाम आर हो गया, ए जे एन आई एस एच, ठीक है। कुमार में आप स्पेस दे सकते हैं बीच में, है ना, जितना बड़ा आपका नाम है उसके बीच में आप स्पेस दे सकते हैं। अब ए यहाँ लिखा है तो आपको ए को जो है कलर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने बी लिखा है तो बी को इस तरीके से कलर करना होगा, सी को फिर इस तरीके से कलर करना होगा, फिर डी को आपको इस तरीके से कलर करना होगा। जैसे कि आर है तो आर जहाँ पे होगा आपको वहाँ पे कलर करना पड़ेगा, है ना। मतलब जो वर्ड जहाँ आपने लिखा है ना, उस तरीके से आपको जो है उसको कलर करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ आपका रोल नंबर है, जैसे मान लो मेरा रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, तो उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा भैया, कलर करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 2 लिखा है तो 2 के अंदर इसको कलर करना पड़ेगा। 3 है यहाँ तो मैंने 3 के अंदर इस तरीके से कलर किया। यहाँ 4 है तो 4 में इस तरीके से, मतलब आपने जो वर्ड जहाँ लिखा है ना, उसी वर्ड में जो है आपको इस सर्कल को क्या करना है, फुलफिल करना है ना। जैसे मान लो मैंने 7 लिखा तो 7 के आगे, 6 के आगे, इसी तरह ये 5 के आगे हो गया, या 6 के आगे हो गया, ये 7 के आगे हो गया, ये 4 के आगे, ये 3 के आगे, ये 2 के आगे और ये 1 के आगे हो गया। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है सेट, यानी आपके पास एक बुकलेट होगा जैसे कि ए बी सी। तो मान लो अगर आपके पास सी मिला तो यहाँ पे आपने सी लिखना है और ए बी सी और सी को जो को जाके आपको क्या करना है, कलर कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, इसको कलर करना आपको कभी भी भूलना नहीं है। ये सारी चीजें जैसे कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड भी होगा, मान लो कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो जैसे 0 जहाँ होगा, मान लो यहाँ 0 हो गया तो 0 कर दो, ये 1 हो गया तो 1 कर दो, ये 2 हो गया तो इस तरीके से 2 करना है। यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, लेकिन आपके पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन नहीं होगा आपके एग्जाम में, टेंशन ना लेना है आपको, आपके पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन जो है नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन करना है आपको, और क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि आपने जो है पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना है, कि जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर जो है मान लो कि मेरा सी है, तो आपको ये सी पे क्या करना है, कलर कर देना है, ठीक है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया और आपका आंसर जो है 1 के साथ आ रहा है तो 1 को कलर कर देना है, 4 आ रहा है तो इस पे 4 पे ऐसे कलर करना है। मतलब जो आंसर आपको दिख रहा है ए बी सी डी, उसके सामने जो है आपको सर्कल इस तरीके से करना है, और सर्कल जो कीजिएगा ना पूरा प्रॉपर कीजिएगा, है ना, आधा अधूरा ऐसे नहीं छोड़ देना है, ऐसे करके नहीं छोड़ देना है ना। इस तरीके से कोई बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है, सर्कल आपको जो है पूरा कंप्लीट करना है। इस तरीके से एक सर्कल बनाइएगा और उसको इस तरीके से कलर कीजिएगा, 2-3 बार चला दीजिएगा पेन। मतलब आपको इस तरीके से पहले सर्कल कर लेना है और उसके बाद ऐसे करना है, मतलब जो भी आप सर्कल कीजिएगा ना वो प्रॉपर दिखना चाहिए कि आपने जो है क्या किया। अब ये देखो ये जो सर्कल हुआ ये दिख रहा है क्या, तो ये गलत हो जाएगा, ये आप नहीं हुआ ये भी नहीं दिखेगा, ये नहीं हो रहा ये नहीं, ये देखो ये प्रॉपर सर्कल हो गया, ये प्रॉपर सर्कल हुआ, ये प्रॉपर हुआ, ये प्रॉपर हो गया, ये ऐसे प्रॉपर आपको करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सी को करना है तो सी को आपको ऐसे कर देना है। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी पेन लेके जाना है एग्जाम सेंटर में, आपको ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना है, ब्लू और ब्लैक पेन। और जब भी आप ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि नया ही पेन लीजिए, पुराना ही पेन ले लीजिएगा। अगर इनकेस अगर नया पेन आप खरीद के ले जाते हैं ना, तो उसको घर पे 1-2 बार जो है चला के उसको थोड़ा सा उसको मोटा कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि एकदम से नया पेन ले जाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर में उसके ऊपर का रबड़ जो होता है ना ऐसा करके निकाल देते हैं, तो वो चलने में थोड़ी सी दिक्कत करती है, वो नहीं चल पाती है। तो आपको क्या करना है, एक पुराना पेन ले लेना है, और पुराना पेन लेने के बाद जो है उसको अच्छी तरह से रब कर लेना है ना, इस तरीके से सर्कल सर्कल करके उल्टा पुल्टा कुछ भी करके उसको थोड़ा सा स्मूथ बना देना है ना। स्मूथ बनाने के बाद जो उसको प्रॉपर आप एग्जाम में लेके जाइए, मतलब आप करिएगा कि 2 से 4 जो है पेन आपके पास होने चाहिए, और ब्लैक पेन, मतलब मेरा सजेशन मानिए तो आप ब्लू छोड़ के आप जो है ब्लैक पेन जरूर लेके जाइएगा, है ना। ब्लैक पेन से क्या होता है कि जो भी आप सर्कल कीजिएगा ना वो मतलब प्रॉपर रहता है,
है ना, ब्लू भी रहता है, ऐसा बात नहीं है। बट आपको क्या करना है, अच्छे से सर्कल करके लेके जाना है, और अच्छे से कोशिश कीजिएगा ना कि आपके पास जो भी जाए पेन, जो भी हो आपके पास, वो प्रॉपर बढ़िया से पेन हो, और ब्लैक पेन ही, यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर है तो आप वहीं पे जाके सिग्नेचर कर दीजिएगा, है ना। वो और जो भी चेक करेंगे उनका ऐसे सिग्नेचर रहता है, वो सिग्नेचर कर देंगे। तो ये OMR मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको OMR शीट को फुलफिल करना है। मैंने आपको एक पहली वीडियो में ही बताया था कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लेके जाना है, आपने एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या चीज को कैरी करना है ना, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज शाम 4:30 पे जो है, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का फुल मैराथन, है ना। तो 4:30 बजे रीजनिंग मिल जाएगा और रात के 8 बजे आपको GK मिल जाएगा, है ना। अब कल जो है, अब ज्यादा दिन नहीं है, 5, 6 और 7, क्योंकि 8 तारीख को तो आपका एग्जाम है। अब ये 5, 6, 7 दिन जो है, हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए फुल मैराथन की और जो है वो लेके आएंगे क्लासेस, ताकि आप जो है एग्जाम में जाए, और जो मैं कराऊंगा उसमें से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, ताकि आपके एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आए और उस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फंसे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।